Hello students, myself Rakesh Mishra. In this video lecture, I will describe you the remain portion of classification of immunity. In previous video lecture, I have described you the different types of immunity like innate immunity, acquired immunity. But in this video lecture, I will describe you the types of different kinds of innate immunity, immunity that we gain by birth, immunity that available in our body by birth. Is actually known as innate immunity का मतलब ऐसी immunity जो हमारे body में by birth available. मैंने अभी बताया previous video में ही बताया था कि आपके पास अगर weapon है तो आप protected हैं, लेकिन अगर आपके पास बड़ी और ऊंची दीवार है तो भी आप protected हैं. मतलब आपको protection की जरूरत है और आप किसी भी तरह से protected हैं तो वो आपके लिए immunity है. ऐसे हमारे बॉडी में कुछ इम्यूनिटी सीधे मारते हैं पैथोजन्स को और कुछ इम्यूनिटी पैथोजन्स को रोकते हैं. किसी भी तरह से आप पैथोजन से बचे हुए हैं वो आपकी इम्यूनिटी है. हमारी बॉडी में पैथोजन्स को रोकने वाली इम्यूनिटी है सीधी सी बात इननेट इम्यूनिटी. ठीक है, कुछ ऐसी इम्यूनिटी है WBC की मैं बात करूं तो WBC किससे बनता है? बोन मैरो से. ठीक है, और बोन मैरो से बनने वाली इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बाय बर्थ ही गेन होती है, तो वो एक तरह का क्या है? इननेट इम्यूनिटी. ठीक है, और वो स्पेसिफिक नहीं होती. ऐसा नहीं WBC सिर्फ बैक्टीरिया कोई मारेगा, वायरस से भी लड़ेगा. और ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस से ही लड़ेगा, वो पॉक्स वायरस से भी लड़ेगा. तो वो स्पेशल नहीं है, वो नॉन स्पेशल. ठीक है, तो ये दोनों चीजें, ये इस तरह की इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इम्यूनिटी इस कैटेगरी में आती है और इसको हम लोग अब बाद में डिस्कस करेंगे. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिस्कशन हम क्या करेंगे? बाद में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम ये चेक कर लें इननेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स की. सो टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी विल बी योर हेडिंग. नाउ टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दैट वी गेन बाय बर्थ, दैट इज दैट अवेलेबल इन आवर बॉडी बाय बर्थ. इट मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर्स. मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक बैरियर बनाती है और दूसरा फाइट करती है. तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर. दीज बैरियर्स आर फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर जिसको सीके बोलते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये सिलेबस में है. फिजिकल बैरियर ऐसे हमारे बॉडी के पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, जिसको किस कोई भी पार्टिकुलर पैथोजन क्रॉस नहीं कर पाता है उसको कहते हैं फिजिकल बैरियर. इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ इम्यूनिटी दैट अवेलेबल इन आवर बॉडी बाय बर्थ इज एक्चुअली बैरियर. ठीक है, वेपन नहीं, बैरियर. एंड दीज बैरियर्स आर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन. फिजिकल मीन्स स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड. एक्चुअली अपर एंड इनर मोस्ट लेयर इज एक्चुअली एक्ट एज द बैरियर. और मैंने बताया कि अगर किसी पैथोजन को रोकते हो तो भी इम्यूनिटी हो. किसी पैथोजन को तो पर्टिकुलर ऑर्गन हमारे बॉडी का रोक देता है तो वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. तो बैरियर्स चाहे वो फिजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल हो, हमारे बॉडी में वो पैथोजन्स की एंट्री को नहीं देते. मारना अलग चीज है, वो भी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करेगा जो हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजन्स को किल करता है. बट फिजिकल और ये फिजिकल जो बैरियर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करता है? पैथोजन्स को रोकता है और वो हमारे बॉडी का स्किन. अभी मैं क्लियर बता दूंगा, इसको समझा दूंगा. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम, केमिकल्स एंड रिस्पॉन्स. एंजाइम, केमिकल्स एंड रिस्पॉन्स और एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बाई विच द पैथोजन्स अनेबल टू इन्फेक्ट अवर बॉडी पार्ट्स. सेलुलर बैरियर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBC कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर सेल और सेलुलर कंपोनेंट्स दैट एबल टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जो खुद फाइट करते हैं, तो वो सेलुलर बैरियर्स. साइटोकाइन, साइटोकाइनिन
वो आप 11th में पढ़े होंगे, वो हार्मोन्स है, लेकिन ये साइटोकाइन है और ये एक तरह का प्रोटीन होता है। ये हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस है जो वायरस होते हैं उससे लड़ता है, उससे फाइट करता है। तो एक एक करके सारी चीजें बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, बैरियर्स दैट कैन ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड इट मे बी द स्किन आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। आउटसाइड हमारे बॉडी में बार बार क्या है, स्किन। बहुत सारी बीमारियां हमको इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि स्किन उन बीमारियों के पैथोजन को एंट्री ही नहीं देता। बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हमको इसलिए नहीं होती कि पैथोजन्स अगर किसी पर्टिकुलर ओपनिंग से अंदर चले गए नाक मुंह तक, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बॉडी के ब्लड में या फिर बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को अफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये दोनों हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अवर बॉडी इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अवर बॉडी इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज एक्चुअली have two part, the inner vessel, this is the inner vessel and outer tubular parts. In this way the outer part is known as skin. By chance if the pathogens try to enter in our body, then it is not possible because it cannot cross the skin. Suppose that pathogens try to enter in our body and able to get in, but ये जो membrane दिख रहा है इसको इसको हम ऐसे कर दे तो कैसे दिखेगा, इस तरह से। तो mucous membrane कहाँ और skin कहाँ? This is the mucous membrane and this one is the स्किन। सो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से है और स्किन क्या है, बाहर बाहर से। तो यहां से भी पैथोजन इंटर नहीं कर पा रहा है और यहां से भी इंटर नहीं कर पा रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहां कहां हमारी बॉडी में है आप नोट कर सकते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन अवेलेबल इन एलिमेंट्री कैनाल, द होल एलिमेंट्री कैनाल इज इनपुटेड बाई द म्यूकस मेम्ब्रेन, एलिमेंट्री कैनाल that is known as gastrointestinal tract. Elementary canal is known as gastrointestinal tract or GI tract. GI tract. Skin का तो example सब लोग जानते हैं, skin हमारे body का सबसे largest organ है, लेकिन mucous membrane के example में आप लिखिएगा GI tract और gastrointestinal tract और the elementary canal. रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा इंपोर्टेशन ही जो है, पूरा का पूरा जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का बना होता है। जैसे आपकी नाक के अंदर से म्यूकस निकलता रहता है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन से ही आता है, ठीक है। कोरोना का वायरस म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही अटैक करता है। तो ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन का दूसरा एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटेड ट्रैक्ट आल्सो इनपुटेड इंटरनली बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरिनोजेनाइटेड ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सो दीज ट्रैक्ट आर एक्चुअली इनपुटेड एंड एसोसिएटेड विद द स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड, दैट ग्लैंड इज नोन एज म्यूकस ग्लैंड दैट सीक्रेट वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंसेस That is known as mucus. अगर mucus की बात करेंगे तो physiological, mucus membrane की बात करेंगे तो physical. जैसे एक होता है petrol और एक होता है petrol pump. Petrol pump पे गए तो आपका काम नहीं हुआ, ऐसा मतलब petrol pump होना कोई बड़ी बात नहीं है, petrol pump में petrol होना बड़ी बात है। ऐसे ही हमारे body में mucus membrane क्या करता है, mucus membrane mucus secrete करता है, वो क्या करता है, फाइट करता है। कैसे फाइट करता है, वो पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है, लपेट लेता है और बॉडी के बाहर कर देता है। तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है।
लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो एक लेयर है वो नहीं ट्रैप कर पाएगा, तो कम से कम अंदर भी तो नहीं जाने देगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है, यही आपको समझना है। सो द एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ऑल दीज थ्री ट्रैक्ट आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, व्हाइल द अपर स्किन एक्सेट्रा आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फिजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि विच टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज ए कंप्लीट। तो लिखेंगे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ए कंप्लीट विद द फिजिकल बैरियर। नाउ नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एनी काइंड्स ऑफ केमिकल, एनी काइंड्स ऑफ केमिकल, एनी काइंड्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन और एनी काइंड्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी दैट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द हार्मफुल पैथोजेंस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट मीन्स यू कैन राइट इट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक केमिकल सिक्रीशन, लाइक केमिकल सिक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन और एंजाइमेटिक एक्शन, और एंजाइमेटिक एक्शन बाय विच आवर बॉडी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस आर नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। दैट इज एक्चुअली द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द म्यूकस, अभी मैंने बताया हमारी बॉडी का म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकल बैरियर है और म्यूकस क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, स्टमक एसिड, एंजाइम, एंजाइम लाइक प्रोटीएसेस एंड लाइपेसेस, प्रोटीएसेस लाइपेसेस, टीयर, सलाइवा, सीरुमान, सीबम, ये जितने भी देते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी के क्या है फिजियोलॉजिकल। इसके अलावा बाइल साल्ट, यूरिन साल्ट, फीवर, बुखार, कफ, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। बुखार हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, एक रिस्पॉन्स है। अब एक एक करके समझेंगे कि कैसे ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में पैथोजेंस के लिए एक बैरियर्स क्रिएट करते हैं, पैथोजेंस की एंट्री को रोकते हैं। म्यूकस के बारे में बताया दैट हेल्प टू स्टिक एंड एलिमिनेट द पैथोजेंस। स्टमक एसिड डिग्रेड द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ पैथोजेंस दैट अनफॉर्चुनेटली रीच टू द गैस्ट्रिक रीजन। स्टमक के आसपास जितने भी बैक्टीरिया फूड में अवेलेबल है वो ऐसे ही किल हो जाते हैं। ठीक है, एससीएफ काफी हार्मफुल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एंजाइम, प्रोटीएसेस और लाइपेसेस, आप जानते हैं कि पैथोजेंस की मोस्टली बॉडी का कंपोजिशन प्रोटीन और लिपिड ही होता है। प्रोटीन को प्रोटीएस और लाइपेस उसके लिपिड को किल कर देता है, किल का मतलब डिग्रेड कर देता है। ठीक है, इससे पूरी की पूरी बॉडी जो है डिग्रेड हो जाती है। टीयर,
आंख से भी निकलने वाले आंसू एक रिस्पॉन्स है। देखते हो कि आंख में कुछ पड़ जाता है, आंख से ऑटोमेटिकली टीयर्स निकलना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है कि उसमें एलिमेंट जितने भी मौजूद है उसको पहले किल करने की कोशिश करेंगे, फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यही रीजन है आंख में कुछ पड़ जाता है तो चीजों को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ज्यादा अमाउंट में टीयर निकलता है। ठीक है, कभी आंख में कुछ पड़ जाए और टीयर ना निकले, आपके बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। सलाइवा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सलाइवा से ही अपने पैथोजेंस को किल करते हैं। जैसे कुत्ते को आप देखते होंगे, चोट लगा है, घाव को चाट चाट के ठीक करते, ना कि आप ऐसा मत करेगा। ठीक है, लाइसोजाइम इसमें होता है केमिकल्स जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। सीरम, ये सीरुमैन की मैं बात करूं, सीरुमैन कान की खूटी को बोलते हैं, वैक्स को, वो टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उस जब आपके बॉडी में एयर एंटर करता है कान के रास्ते से, उसमें बहुत सारे डस्ट और बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ऐसा होने नहीं पाता, क्योंकि हमारी बॉडी के कान के अंदर एक ग्लैंड है जिसको सीरुमैन, जिसको हम सीरुमैन ग्लैंड बोलते हैं, और ईयर ग्लैंड्स है, उससे निकलने वाला सीरुमैन उसको चिपकाता है, और उससे क्या होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो वैक्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, बाद में हम लोग साफ करके बाहर करते हैं। सीबम, पसीना वाले बात करते हैं, जो हमारे पसीने से निकलने वाले साल्ट है, इससे भी हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड होता है। बाइल साल्ट लीवर से सिक्रीट होता है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और उससे क्या होता है, उससे पैथोजेंस जो है इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। पैथोजेंस का जो फैट है वो इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और पैथोजेंस की बॉडी डिग्रेड हो जाती है। यूरिन साल्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन में ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूरिन साल्ट जितने भी होते हैं वो पैथोजेंस को ट्रैप कर देते हैं और एलिमिनेट करते हैं बॉडी के बाहर, पहले किल करते हैं फिर बाहर। फीवर एक रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का एक सेल है मैक्रोफेज, WBC का, नोट कर लें, मैक्रोफेज, द स्पेशल टाइप ऑफ WBC। जब इसको जानकारी होती है हमारे बॉडी में कहीं से भी कोई पैथोजेंस इंटर कर गया है, तो हमारे बॉडी का जो मैक्रोफेज, हाइपोथैलेमस को एक मैसेज भेजता है, और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ा देता है एक केमिकल रिलीज करके, जिसका नाम है पाइरोजन। सो एज आवर बॉडी गेट इन्फेक्टेड बाय एनी काइंड्स ऑफ पैथोजेंस, देन द हाइपोथैलेमस आफ्टर गेटिंग मैसेज फ्रॉम मैक्रोफेज सिक्रीट वेरी स्पेशल काइंड्स ऑफ केमिकल दैट इज नोन एज पाइरोजन, एंड द पाइरोजन इनहेंस द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पैथोजेंस जहां कहीं भी रहेगा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37.5 पे रहने आया है, और अब वो नहीं रह पाएगा और किल हो जाएगा। फिर बुखार को कम करने की दवा हम यूज करते हैं, क्या नाम है, एंटीपायरेटिक ड्रग्स, इसी वजह से बोलते हैं बुखार की दवा को एंटीपायरेटिक ड्रग्स, क्योंकि पाइरोजन को एलिमिनेट करता है, पाइरोजन को कंट्रोल करता है। कफ, खांसी आती है, क्यों आती है, एक रिस्पॉन्स है। आप देखो बहुत सारी प्रॉब्लम में खांसी आती है, ट्यूबरकुलोसिस में खांसी आती है, कोल्ड में खांसी आती है, कोरोना में भी खांसी आ रही है, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को जैसे मैसेज मिलता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ हो गया, पानी पी रहे हैं तुरंत जो खांसी, कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गलती से कुछ चला गया तो वो वहां से बाहर आ जाता है। रीजन क्या है, बार बार हमारा ब्रेन जो है लंग्स को प्रेशर देगा कि तुम जो है उसको एलिमिनेट आउट करो, तो खांसी आना एक रिस्पॉन्स है बीमारी, ठीक है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द पैथोजेंस और अननेसेसरी सोर्सेस। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेलुलर बैरियर। थैंक यू।